दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको जियो की लेटेस्ट एयरटेल सेटिंग बताने वाला हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, जो आपकी जियो की सिम है आपको उसको स्लोट ऑन में डाल लेना है। स्लोट ऑन में डालने के बाद आपको सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क में चले जाएंगे। यहाँ पर जाने के बाद आपको क्या करना है, स्लोट ऑन में चले जाना है। स्लोट वन में जाने के बाद आपको एक्सेस पॉइंट नेम में चले जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आपको नीचे राइट साइड में रिसेट का ऑप्शन दिख रहा है। अगर आपके नीचे राइट साइड में नहीं है तो आपके ऊपर राइट साइड में होगा, थ्री डॉट पे जाके आप देख सकते हैं। तो आपको प्लस के आइकन पे ओके कर लेना है और आपके सामने कुछ ऐसा पेज खुल जाएगा। तो आपको नेम में चले जाना है सिंपली, और यहाँ पे लिखना है आपको जियो, जियो का जे कैपिटल करना है आपको, और स्पेस वेब, स्पेस 3.0 ओके कर लेंगे इसको। फिर आपको एपीएन पे चले जाना है। एपीएन पे आपको लिखना है जियो नेट, ओके कर लेंगे इसको। फिर आपको पोर्ट में चले जाना है। पोर्ट में आपको लिखना है 8080, ओके कर देना है इसको। फिर आपको यूजर नेम में चले जाना है। यहाँ पे लिखना है आपको इंटरनेट, इंटरनेट फास्ट, ओके कर लेंगे इसको। फिर आपको पासवर्ड को नहीं छेड़ना, सर्वर में चले जाएंगे। सर्वर में आपको लिखना है www.google.com, ओके कर लेंगे इसको। फिर आपको MMSC, MS Proxy, MMS Port, MCC, MNC हमारा एरिया कोड होता है। इसके साथ हम छेड़खानी नहीं करेंगे बिल्कुल भी। अगर आप इसके साथ छेड़खानी करते हैं तो, अगर मेरे तरह सेम टू सेम करेंगे तो आपका जो इंटरनेट है बिल्कुल ही वर्क नहीं करेगा। फिर आपको ऑथेंटिकेशन टाइप में चले जाना है और यहाँ पे आपको कर लेना है PAP और CHAP, और फिर आपको APN टाइप में जाना है और आपको लिखना है यहाँ पे डिफॉल्ट, इसको ओके कर लेंगे। फिर आपको APN प्रोटोकॉल में चले जाना है, IP/IPv6 करेंगे, और APN रोमिंग प्रोटोकॉल में IP/IPv6 करेंगे। तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग आती है हमारी बैरियर। बैरियर में आपको क्या करना है, LTE पे ओके कर लेना, और इसको ओके कर लेंगे। और फिर आपको थ्री डॉट पे जाकर इसको सेव कर लेना। जो हमारी APN है वो क्रिएट हो चुकी है, लेकिन इसका आपका यूज़ कैसे करना है, अपने मोबाइल को एक बार स्विच ऑफ या रिबूट करके दोबारा एक्सेस पॉइंट नेम में चले जाएंगे। और जो आपने APN क्रिएट किया उस पर क्लिक करके आपको इंटरनेट का यूज़ करना है, जो आपका इंटरनेट वर्किंग करने लगेगा। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो मैं आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल दूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उस पर लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, लव यू ऑल।